गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गा होने के शक पर बोकारो पुलिस ने वासेपुर के दो युवकों को आधी रात बिना महिला पुलिस घर में घुसकर गिरफ्तार कर ले गई। अपने साथ चार दिन तक पिटाई के बाद छोड़ा स्थिति गंभीर, हॉस्पिटल में इलाजरत। परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप, कहा बिना वजह पुलिस करती है परेशान, हमारे भाई को पुलिस ने किया पिटाई, भाई की हालत है नाजुक। सुने क्या कहा छोटू और मोंटी की परिजनों ने। मैं 13 तारीख को 3:30 बजे पुलिस आया, बैंगमोड़ा भूली, ये बोला बैंगमोड़ा भूली से आए हैं। तो मेरी मम्मी दरवाजा खोल दी, हड़ा के पूरा घर में घुस गया, लेडीज सोई पड़ी, जैसे तैसे सोई पड़ी है, और बिना लेडीज पुलिस की वो लोग घुस गए, पूरा छानबीन करने लगे। तो मेरा दोनों भाई को उठाया, छोटू और मोंटी को, बोली सर किस वजह से उठा रहा है, तो बोला वेरीफाई करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, अभी तुरंत ही छोड़ देंगे। तो फिर लेके चला गया, पूरा लेडीज़ पुलिस को लेके आया, ने पूरा घर छानबीन करने लगा। तो फिर हम लोग बैंक मोड़ गए, बैंक मोड़ में पता किए तो बोला कि बेरमो थाना लेके गया, बोकारो बेरमो थाना लेके गया। तो बड़ा बाबू से जब पूछते हैं तो बड़ा बाबू बोला कि तुम्हारा भाई गोली चलाया होगा तभी तो, ऐसे बोल रहा, पूरा धनबाद बोकारो प्रिंस खान का आदमी है, तुम्हारा भाई 5,000 के चक्कर में चला सकता है, जबकि मेरा भाई लाखों का मालिक है, वो उसका ट्रक उसका खुद का मीट का दुकान है, उसका होटल है, सब कुछ उसका है, तो वो 5-10 हज़ार के चक्कर में गोली क्यों चलाएगा। तो बेरमो थाना गए सर, 3-4 घंटा वहाँ वेट किए, मिलाया 2 मिनट के लिए, मेरा भाई इतना ही रोने लगा, अम्मी मेरे को बहुत मारा, पुलिस के सामने बोला अम्मी हम चल नहीं पा रहे, मेरे को बहुत मारा है। फिर हम लोग बोले छोटा भाई कहाँ है मोंटी, तो मोंटी मेरे साथ नहीं लाया है, मोंटी लापता, 3 दिन तक मोंटी को लापता ही कर दिया, वेरीफाई के लिए छोटू को लेके गया, फिर मोंटी को भी लापता है वहाँ से। फिर हम जब 16 तारीख को फ़ोन आता है कि आप अपना भाई को ले जाइए, तो अपना भाई को लाने के लिए गए, तो मेरा भाई पूरा आपा खो चुका है, इतना ही टॉर्चर उसको किया गया। अब अपना भाई से बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इतना बोला हम नहीं कुछ किए सर, हम नहीं चलाए है गोली, हम नहीं किए हैं। तो हम बड़ा बाबू के पास हम बैंक में जब गए थे, तो बड़ा बाबू जब बोलते हैं कि पूरा धनबाद प्रिंस का आदमी है, तो हम यही कहना चाहते हैं सर कि अभी नन्हे अमन सिंह को जो गोली चला है जेल में, वो कौन चलाया सर, वो तो पुलिस के थ्रू ना हुआ है, जबकि इतना जाँच होता है वहाँ पे, इतना छानबीन होता है, तो वो अमन सिंह को गोली कौन चलाया, पूरा प्रिंस खान का आदमी हम लोग को बताया जाता है। तो आप एक बार हम यही बोलना चाहते हैं कि कभी जांच पड़ताल के साथ नहीं आता है मेरे घर में, भूली थाना बैंक मोड़ थाना हम लोग को एकदम परेशान करके रख दिया, कभी भी आधी रात में घुस जाता है, बिना लेडीज पुलिस का आता है, आधी रात में आ जाता है, और हम लोग इतना परेशान करता है। मेरा बड़ा वाला भाई है वो जेल खट के आया सर जी, बताएंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आपको यही मामला है कि जब कोई भी पटवारी बैंक मोड़ में आता है, कोई भी बड़ा बाबू, तो बोल फोन करता है मोबाइल पर, बोलता है कि जुम्मन से भेंट करना है, जुम्मन को भेजो, तो हम भेज देते हैं कि थाना प्रभारी फोन किया जाइए मिलकर आइए, जब ये जाते हैं तो मारपीट करता है, फिर 4-5 बजे तक रखता है, भेज देता है, बोलता है रोज भेजो। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि जब ये रोज जाएंगे तो कमाएंगे कैसे, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। तो बोलते हैं भेजने के लिए, भेजते हैं तो मारपीट करता है, तो हम बोले कि ठीक है आपसे नहीं जाएगा, नहीं भेजेंगे हम। तो गए हम थाना में, तो बोलता है क्या चीज की, हमको तो मन करता है तुम लोग को गाली देने के लिए कि तुम लोग पुलिस प्रिंस खान के आदमी हो, कि तुम लोग से बात करने का मन नहीं करता है। जब हम लोग गुनहगार है, तो अभी जो छोटू को ले गए मेरे देवर को, तो मारपीट करके छोड़ दिया, अगर गुनहगार रहता तो सजा देना चाहिए ना, तो छोड़ देता है मारपीट करके, कोई कानून में लिखा है कि छोड़ देना मारपीट करके, उसको मारा पीटा भी नहीं जाता है, तो मारता पीटता है, पूरा दिमागी टॉर्चर देता है, उसके अंदर छोड़ देता है। जुम्मन को बोलता है हाजिरी लगाने के लिए आओ, नन्हे हत्याकांड में बुलाया जाता है कि नन्हे हत्याकांड में तुम जेल गए है, तुम प्रिंस खान का आदमी है, हाजिरी रोज आके लगाओ। अब जब जा जोड़ दे रहा था, अब इसी बात पर हम बोले कि नहीं नहीं जाएगा, तो बोलता है कि तुम लोगों को तो गाली देने का मन करता है कि नहीं भेजोगे तो उठा लेंगे, तो झूठा केस बना के भेज देंगे। कौन किसने कहा बात? बैंक मोड़ का प्रभारी जो थे इंस्पेक्टर पीके सिंह, वो भी टॉर्चर की है बहुत ज्यादा, तो उनके खिलाफ भी हम ही दिए थे, एसपी को लिख कर दिए हुए थे। अभी भी जो ये इंस्पेक्टर आए अभी भी फोन करके बुलाए, तो हम बोले कि नहीं नहीं जाएंगे, दूसरा मैंने कोई ऑफिसर वहाँ से फोन किया था, तो बोलता है कि भेजो भेजो मिलना है, लेडीज लोग से अलग बदतमीजी करता है। अभी आपका हस्बैंड तो घर पे है, गाड़ी उड़ी चलाते हैं, होटल है तो होटल में काम उम करते हैं, घर पे ही रहते हैं,
पुलिस उन्हें भी लेके गई थी? नहीं, पुलिस उन्हें लेकर नहीं गई थी, लेकिन उसी के वजह से आई थी कि हाँ उठा जो, बोले कि थाना वाले आए हैं बैंक मोड़ और भूलिका आपसे मिलना चाहते हैं। तो उठ कर आए तो बोले क्या चीज़ की, तुम्हारा भाई कहाँ है? छोटू और मोंटी के क्या भाई है? तो तीन भाई है। तो छोटू मोंटी कहाँ है? तो हम बताए कि सोए हुए वो लोग, तो वेरीफाई करना, वेरीफाई 4 बजे हम लोग बता देंगे। इस्लाम अंसारी जो वहाँ का ऑफिसर है बैंक मोड़ का, वो बोले कि 4 बजे हम बताएंगे कि क्या मामला में उठाया जा रहा है। जब यहाँ गए बैंक मोड़ में, तो बैंक मोड़ का इंस्पेक्टर सीधे बोल रहे हैं कि गोली चलाया हुआ है। हम बोले कि सर आपके पास में सबूत? तो बोल रहे थे कि हाँ गोली चला सकता है, तुम लोग बच्चा पे ध्यान नहीं देती है। हम कुछ नहीं बोले, वहाँ बोले कि तुम लोग से गाली देने का मन करता है, जाओ यहाँ से। तो हम लोग घर चले आए। उसके बाद में बोकारो गए, तो बोकारो में उसको मिलने नहीं दे रहा था, छोटू को, छोटू से मिलने नहीं दे रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा किए कि सर मिलने दीजिए, कम से कम हम लोग से नहीं मिलने दीजिए। उसकी मम्मी आई है शाम को 7 बजे करीब में, 4-5 घंटा वेट करने के बाद में 7 बजे मिलाया जाता है। अब वहीं पे छोटू बोले कि बहुत हमको मारा पीटा गया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग को जो उठाया जाता है घर के लड़का को, तो छानबीन करें,